विश्व हाथी दिवस, आज इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उनके बारे में जान लेते हैं जो आपकी परीक्षा के पॉइंट व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। याद रखिए, कभी भी कोई भी दिवस रहता है तो वो सिविल सर्विस या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी आप कर रहे हैं तो उसके थीम भी याद रखा करिएगा हमेशा, और जिस साल आप लोग पेपर देने जा रहे हैं उस साल की। और एक सबसे बड़ी बात रहती है कि उस साल में अगर सरकार के द्वारा कोई इसके संबंध में निर्णय लिया गया तो उस निर्णय को याद रखा करिए। और वन डे एग्जाम में आपका डायरेक्ट पूछ लेता है कि विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, पहली बार कब मनाया गया था, यही सब आपके पॉइंट रहते हैं। जैसा कि आप सभी जुड़े रहते हैं सोशल मीडिया हो गया, तो करेंट अफेयर्स के लिए मुझे लगता है कि इस समय बहुत कुछ सुविधा हो चुकी है। तो अभी आपने देखा है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्व हाथी दिवस की पूर्व संध्या पर भारत में मानव हाथी टकराव से निपटने के सर्वोत्तम उपाय का संकलन जारी किया है। अगर विश्व हाथी दिवस के बारे में हम बात करें तो हर साल 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। पहली बार ये 2012 में शुरू हुआ था, याद रखिए 2012 में, ठीक है। वार्षिक रूप से मनाया जाने वाला यह अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम दुनिया भर के हाथियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए समर्पित है। विश्व हाथी दिवस का लक्ष्य हाथी संरक्षण पर लोगों में जागरूकता पैदा करना और जंगली तथा पालतू हाथियों के बेहतर संरक्षण प्रबंधन के लिए जानकारी और सकारात्मक समाधान को साझा करना है। वैसे आप लोग सभी लोग जानते हैं कि कोई भी दिवस मनाया जाता है तो जैसे जल दिवस मनाया जाता है, फिर चाहे आपका पर्यावरण दिवस हो, फिर चाहे आपका ओजोन परत दिवस हो, तो इनके प्रति आपको जागरूक करने के लिए कि इनकी सुरक्षा करें, इनकी रक्षा करें, इनके बारे में सोचें आप लोग, इसी के लिए मनाया जाता है कि कम से कम ये न्यूज में रहेगा, आपके सामने आएगा, आप इससे जागरूक होंगे, परिचित होंगे, समझ रहे। एक सुरक्षा सुरक्षा राष्ट्रीय पोर्टल विश्व हाथी दिवस के कार्यक्रम के अवसर पर मानव हाथी टकराव पर एक सुरक्षा नामक राष्ट्रीय पोर्टल का बीटा संस्करण भी लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल वास्तविक समय पर जानकारी के संग्रह और सही समय पर मानव हाथी टकरावों को निपटने के लिए आंकड़े संग्रह प्रोटोकॉल, डेटा ट्रांसमिशन पाइपलाइन और डेटा विजुअलाइजेशन टूल सेट करने में मदद भी करेगा। इससे नीति निर्माताओं को इन मानव हाथी टकराव के आंकड़ों को का लाभ उठाते हुए नीति निर्माण और टकराव को कम करने की कार्य योजना बनाने में मदद भी मिल सकेगी। हाथी परियोजना, इससे भी आपका क्वेश्चन कई बार बन चुका है। हाथी भारत के प्राकृतिक धरोहर पशु है और इसके संरक्षण के लिए भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 1991-92 में हाथी परियोजना शुरू की है। और वैसे भी आप जानते हैं कि हमारे देश में हाथी को बहुत मान्यता मिली हुई है। गणेश जी आप देखते हैं कि पूजा होती है हमारे यहाँ, समझ रहे हैं आप लोग। इस परियोजना को आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में क्रियान्वित किया जा रहा है, यानी कि यहाँ चलाई जा रही है। गौरतलब है कि एशियाई हाथियों को संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN की रेड लिस्ट में भारत को छोड़कर अधिकांश हाथी बाली देशों के संदर्भ में विलुप्त प्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। 2020 में गुजरात में संपन्न प्रवासी प्रजातियों के सम्मेलन के परिशिष्ट एक में भारतीय हाथियों को भी सूचीबद्ध किया गया है। तो यही है कुछ पॉइंट आपके, इन्हें याद रख लीजिए, ठीक है। हो सकता है इन्हीं से क्वेश्चन आपका देखने को मिल जाए आने वाली परीक्षाओं में।